मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि माँ बच्ची की परवरिश इतनी नहीं कर सकती है जितनी सीएलसी करती है। अरे क्या, थैंक यू। तो अब मैं चाहूंगा कि ज्योति के पिता हमारे सुखदेव राम जी भाई बात रखे। ज्योति पिता, सबसे पहले तो मैं बहुत ही गदगद हो रहा हूँ कि एक शिक्षा के जो ऊंची कोटि की जो शिक्षा है उसके जो एक दाता है मानो, तो हमारे एक छोटे से घर में आज चरण डाल रहे हैं, तो मैं आभारी हूँ। मेरा भाव ये है कि एक ही सोना होता है वो 23 ग्रेड 24 ग्रेड का जितना जिस हिसाब से वो होता है, चलो वो तो होता है, लेकिन अगर वो सोना अगर किसी के गले में 1 किलो का लटका दे तो वो कोई भी कहेगा कि ये तो सोना सही नहीं है। और वही सोना अगर एक ही चतुर कारीगर जो उसको कढ़ाई करता है उसके पास में पहुंच जाता है तो वाकई में ही इतने अच्छे सुंदर आभूषण वो बना देते हैं और वो एक प्रिय धातु के हिसाब से एक सुंदर बन जाता है। तो मेरा एक ही ध्यान ये है कि सबसे पहले अगर हमारा जो चुनाव है वो एक संस्था के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। एक ही वाक्य में अगर जैसे मानो कि जो पैसे होते हैं उनके बच्चे तो चलो आराम से वो पढ़ा देते हैं, उनके पास में पैसे हैं, लेकिन अगर जिसके पास में पैसे नहीं है और गरीबों के कई बच्चे ऐसे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, तो अब उनको पढ़ाने के लिए तो केवल जैसे हीरालाल जी जैसे टीचर होना और हमारे साहब बोस सीएलसी, क्योंकि सीएलसी की जितनी तारीफ करे वो बहुत ही कम है, क्योंकि सीएलसी का पहले नाम सुनता था मैं और ये जो प्रोग्राम जैसे टेलीविज़न में भी आया करता था जो सीकर चैनल था, और ये हमारा बच्चा है ये को प्रति खोज, ये कोई परीक्षा होती है प्रतिभा खोज, तो वो प्रतिभा खोज एक परीक्षा बच्चे ने दीपक जी ने लगाई, तो अभी दीपक जी कहाँ वो को 40 रैंक कितनी को पता नहीं मेरे को, इस हिसाब से रैंक आई थी। अब दीपक जी अब वो मेडल ला कर देते हैं कि बोले सीएससी ऐसी एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। अब मेरा थोड़ा ध्यान हुआ कि चलो दीपक जी तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन ज्योति जी को वहाँ पढ़ाएंगे। अब होता क्या है कि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया। वैसे तो ये बच्ची पहली क्लास से पहला स्थान वो तो खैर बिल्कुल सब बात पूरा ठेक 9वीं तक 10वीं तक किसी को नहीं दिया, लेकिन इनकी एक मैं तारीफ कर रहा हूँ कि वाकई में अगर सर हो तो ऐसा होना चाहिए हीरालाल जी जैसे। क्या बात, तो मेरा भाई हीरालाल देख रहा हो तो भाई ये किसको बोलते हैं तारीफ, क्योंकि हीरालाल जी जैसे व्यक्ति मैंने आज तक ही पहले नंबर यहाँ से जो जीरे से शुरुआत होते हैं वो हीरालाल जी, और अगर जो मेडिकल और जो IIT है उसके अगर बात उसकी बात करें तो हमारे बोस शायद मेरे हिसाब से अच्छी तरह से बंदे होते हैं तो गरीबों के बच्चे आगे बढ़ेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और भी कुछ बनेंगे। नहीं 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 बिल्कुल आप निस्पीकर रहे हैं। देखो मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस लाइव को जो भी लोग देख रहे हैं भाई, ये कोई पार्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं है। किसी भी गांव में कोई गुदड़ी का लाल बैठा हो, कोई बच्चा वास्तव में, मैं ज़रूरतमंद कहता हूँ गरीब कोई नहीं होता है, हो सकता है कोई, लेकिन भाव सही होना चाहिए। मैं एक अक्सर बात कहता हूँ सुखदेव जी, मैं लाइव देख रहा हूँ सुन लो, आप जिस भाव से घर से चलोगे ना तो CLC में बैठा श्रवण वैसा मिलेगा। आप वहाँ से कुछ लोग चलते हैं कि जाके हमें कोचिंग वाले को बावड़ा बनाना है,
तो बावड़ा हमने आके बावड़ा बनता है, और ये सोच के चलो कि यार वहाँ हमारा कोई भाई बैठा है, हम जाके हमारी बात रखेंगे, तो फिर आपको वहाँ सेव मिलता है और सिलेक्शन भी होता है। आज आप जो बार बार एक बात कह रहे हो ना सुखदेव जी, मेरी बात याद रखना, आरती आपकी बेटी ग्रेजुएट है, मैं आरती आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। दीपक आप एयरपोर्ट ज्वाइन कर चुके, ज्योति हो गई है, मधु सेलेक्ट होगी पक्का, वंदना आपकी तीनों बेटियाँ, मैं आज कह के जा रहा हूँ ज्योति मधु वंदना तीनों पे डॉक्टर बनेगी, मेरा वादा आपसे पूरे 100% बनेगी, ये बिल्कुल क्योंकि आपके बच्चों में टैलेंट है, बिल्कुल बनेगी आपकी, ये बात ही नहीं है। तो आपके कुछ सालों बाद आप तीन डॉक्टर बेटियों के बाप होंगे, मैं आपको लिख के देके जा रहा हूँ, आज वो आपकी की कृपा होगी सर। नहीं नहीं वो आपके आपके क्वालिटी है, आपके संस्कार है, आपके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म है, कितने अच्छे बच्चे आपको भगवान ने दिए हैं। अच्छी बात है, वो बात आपकी बात सही है, लेकिन इसमें फर्क यही है कि जो आपका सहयोग रहेगा और आपकी अगर कृपा रहेगी तो सीएलसी हमेशा आपके साथ ही साथ है, साथ रहेगी, क्योंकि सीएलसी ये मैं तय दिल से कहता हूँ कि वाक्य में अगर संस्था हो तो सीएलसी जैसी, और सीएलसी एक माँ है। थैंक यू। देखो ये है, इसके लिए बोलते हैं जय सीएलसी। और आखिरी में शायद मेरे हिसाब से कोई भी अगर मेरे भाई इस लाइव को देख रहे हैं, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि माँ बच्ची की परवरिश उतनी नहीं कर सकती है जितनी सीएलसी करती है। अरे क्या, थैंक यू सुखदेव जी।